हुँ? हो गया नमस्कार मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं बच्चों आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ आप लोग क्लास को फिर स्टार्ट कर देंगे चलिए जुड़ जाइए जल्दी, जल्दी जल्दी आप लोग मैं एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं, देखता हूं बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके रेल मंत्री आ गए हैं यस सर अच्छा रेल मंत्री डायरेक्ट रेल मंत्री आ गए यहां पर <laughs> चलो बच्चों जुड़ जाओ आप लोग सभी लोग फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट कर देते हैं चलो धड़ाधड़ शेयर करो पहले क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए क्लास को बिना शेयर किए हुए क्लास को देखना अच्छी बात नहीं होती है तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गुरु दक्षिणा के रूप में और फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए हमारे साथ तो चलो बच्चों जुड़ जाओ जल्दी जल्दी हमारे साथ मैं आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूं यानी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं वैसे बहुत आसान है और ज्यादातर स्टूडेंट जिनको नहीं मालूम है वो हमेशा अपने जीवन भर रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने में क्या करते हैं कंफ्यूजन क्रिएट आता है और हो जाता है ऐसा कंफ्यूजन कि वो अपनी पूरी जिंदगी जो है इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं सीखते बस वो रट लेते हैं याद कर लेते हैं एग्जाम को लेकर के तो बेटा ना तो रटिए ना तो याद करिए बस आप लोग उसको समझ लीजिएगा तो इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान हो जाएगा तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी जल्दी और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा मैंने लाइक कर दिया है सर थैंक यू सो मच प्रिंस राम दयाल गिरी आ चुके हैं वैष्णवी भी आ चुकी हैं मनोज कुमार चौरसिया मिस्टर स्मार्टी रेल मंत्री डायरेक्ट लाइन पे हैं और इनसे हमारी अभी थोड़ी देर बाद बात होगी रेल में क्या सुधार कर रहे हैं किस प्रकार की बातें हैं सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे बस आप लोग जल्दी जल्दी सर कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटी आप लोगों को आशीर्वाद बहुत बहुत आशीर्वाद सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ चलिए तो बच्चों अब हम आज आपकी क्लास क्यों स्टार्ट कर देते हैं एक लाइक हम भी यहां ठोक देते हैं देखिए लाइक हमने ये कर दिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं तो बच्चों याद रखना आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्या आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण को याद रखिएगा रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चलिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ये सारी बातें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे ठीक है कर दिया ना चलो ठीक है तो रासायनिक समीकरण को सं, आ, संतुलित करने से पहले दो तीन बातें जरा हम और आप समझ लेते हैं भैया ये रासायनिक समीकरण होता क्या है आखिरकार मान लीजिए बच्चों मैं आपको एक बाल्टी देता हूं मान लीजिए इस बाल्टी में मैं आपके सामने पानी भर देता हूं ठीक है ये पानी भरा हुआ है अच्छा ये बताइए मैं आपके सामने पानी का एक रासायनिक सूत्र लिख देता हूं यौगिक के रूप में तो ये है आपका एस इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है अच्छा मैं आपको ये बाल्टी भर के पानी भर दूं तो क्या आप इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ढूंढ ले जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे ढूंढेंगे हमको मिलेगा ही नहीं उसमें तो बेटा ये एक तरीके से केमिकल कंपोजिशन होता है रासायनिक संगठन होता है रासायनिक संगठक होते हैं और याद रखना आपको मैं पूरे समुद्र भर का पानी दे दूं, नदियों का पानी दे दूं, आप किसी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ढूंढते रह जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन याद रखिएगा सारी चीजों का अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है रासायनिक संगठक होते हैं जिससे मिल करके कुछ चीजें बनने का काम करती है तो बच्चों याद रखना अगर मैं आपसे यह कहता हूं ध्यान से सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश करिएगा अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अगर मैं आपके सामने लिखता हूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और ये बना दिया हमने आपके सामने पानी अब एक बात बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या यह समीकरण संतुलित है आपको आप बिल्कुल कहेंगे नहीं सर यह समीकरण बिल्कुल भी संतुलित नहीं है यह असंतुलित समीकरण है बच्चों एक बात हमेशा याद रखना जो क्रिया करता है उसे अभिकारक कहते हैं और बच्चों याद रखना जो क्रिया के पश्चात बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं अब बात यह आती है कि भैया ये अभिकारक है ये उत्पाद है तो अब समस्या यहां ये है कि ये जो अभिकारक है यहां तो हाइड्रोजन दो है यहां भी हाइड्रोजन दो है यहां ऑक्सीजन एक है यहां भी ऑक्सीजन एक है लेकिन बच्चों ये ऐसे होगा ये वाला ऑक्सीजन मिलकर के तब ये बनाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक नियम होता है नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोग पढ़ते होंगे कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है लेकिन यह ऊर्जा की भांति नहीं है ठीक है कि हम उसका रूप परिवर्तित कर दें तो बच्चों याद रखिएगा हम इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि जो द्रव्यमान अभिकारक में होगा वही सेम द्रव्यमान आपको उत्पाद में मिलना चाहिए यानी तत्वों की संख्या जो अभिकारक में होगी वही सेम तत्वों की संख्या आपको कहां होनी चाहिए आपको उत्पाद में देखने को मिलना चाहिए तो बेटा एक बात याद रखो मान लीजिए ये तराजू है एक तरफ हमने द्रव्यमान ज्यादा रख दिया और एक तरफ क्या हुआ द्रव्यमान कम रख दिया तो डेफिनेटली जिधर ज्यादा द्रव्यमान होगा उधर तराजू झुक जाएगा और यहां पर हमको तराजू में बैलेंस रखना है यानी कांटा बीच में होना चाहिए तो उसके लिए हमको दोनों तरफ संतुलन करना जरूरी हो जाएगा अभिकारक और उत्पाद दोनों में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होना चाहिए खास तौर पर द्रव्यमान के द्रव्यमान के केस में किसी भी तरीके का कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए ध्यान रखिएगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा अब बात यह आती है कि हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं बेटा मान लीजिए मैंने आपके सामने एच लिख दिया अब हमने कहा इसको बैलेंस करिए तो बैलेंस करने के लिए आपको हमेशा नंबर जो लिखने हैं वह लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है चाहे वह एक नंबर हो चाहे वो दो नंबर हो चाहे वो तीन नंबर हो हमेशा इधर कुछ लिखना है राइट हैंड साइड पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है जो भी लिखना होगा आपको हमेशा लिखना होगा कहां पर तो ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखना है राइट हैंड साइट पर कुछ भी नहीं लिखना होता है आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तो चलिए सरल इक्वेशन बैलेंस से जो कक्षा दस में है उसी से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है चलिए तो अभिषेक अग्रहरी ने पानी के आ, जो इक्वेशन है उसको बैलेंस कर दिया है ये चमत्कारिक बालक है जो हमसे भी आगे चल रहा है यानी हम बता रहे हैं लेकिन उससे पहले ही प्रश्न को उत्तर दे करके यहां बैठा हुआ है चलिए तो भैया हाइड्रोजन जोड़िए ऑक्सीजन जोड़िए बना दीजिए पानी और अब बताइए इक्वेशन हम कैसे बैलेंस करें बहुत आसान है मैं पहले इसको आपको बताऊंगा ठीक है बच्चों एक बात बताओ कक्षा अच्छा नौ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया हम ऐसा थोड़ी हम हाइड्रोजन को किसी के साथ भी जोड़ देंगे भैया पहले क्या होगा शादी होती है पहले दुल्हन देखा जाता है फिर दूल्हा देखा जाता है फिर उनका गुण मिलाया जाता है फिर यहां पे क्या मिलाया जाएगा मान लो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पसंद आ गया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन तो को हाइड्रोजन पसंद आ गया अब ऑक्सीजन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमको शादी इसी से करनी है हाइड्रोजन से लेकिन अब गुण कैसे मिलाए तो गुण मिलाने के लिए आपको वैलेंसी मिलानी पड़ेगी तभी ना इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन बनेगा वो कक्षा नौ में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अब हम यहां आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं देखो बैलेंस करना तो बहुत आसान है देखो ये आसान है हम यहां दो लिख के काम कर सकते हैं लेकिन इसको समझिएगा हाइड्रोजन यहां कितना है दो ऑक्सीजन कितना है बेटा दो हाइड्रोजन यहां भी कितना है दो ऑक्सीजन कितना है तो याद रखिएगा ऑक्सीजन पर एक है अच्छा अब हम इसको बैलेंस कैसे करें तो बच्चों यहां पर हाइड्रोजन दो है यहां ऑक्सीजन एक है तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो चलिए यहां हो गया अब ये हाइड्रोजन कितना हो गया चार ऑक्सीजन हो गई दो और बच्चों एक बात बताओ यहां भी ऑक्सीजन हो गई दो अब यहां पर दो कम पड़ रहा है तो यहां भी दो लिख दीजिए और ये लीजिए आपका इक्वेशन क्या हुआ बैलेंस हो गया तो बताइए बच्चों क्या यह इक्वेशन बैलेंस है अब बताइए क्या यह इक्वेशन बैलेंस है अरे लेने दीजिए कोई दिक्कत थोड़ी <laughs> यस यह इक्वेशन बैलेंस है चलिए अब आप लोगों से और पूछते हैं बच्चों एक इक्वेशन और है देखिएगा ध्यान से ये बताओ यह है मैग्नीशियम हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन तो बेटा एक बात बताओ यहां पर हमने लिख दिया एम जी ओ अब बताओ क्या यह इक्वेशन बैलेंस है बताइएगा क्या यह इक्वेशन बैलेंस है बताइए बच्चों क्या यह इक्वेशन बैलेंस है थैंक यू सर हाँ जी बोलो बच्चों क्या यह इक्वेशन बैलेंस है हाँ जी बोलिए क्या यह इक्वेशन बैलेंस है नो no. क्या करें बहुत आसान है यहां मैग्नीशियम एक है ऑक्सीजन दो है मैग्नीशियम एक है ऑक्सीजन भी एक है कुछ मत करिए दो से इसको आप लोग यहां टू लिख दीजिए भैया ये दो हो गया ये दो हो गया लेकिन अभी यहां दिक्कत है तो यहां भी दो लिख दीजिए ये भी दो ये भी दो लीजिए इक्वेशन बैलेंस हो गया बहुत आसान है बेटा इक्वेशन बैलेंस करना बस अगर आपको चीजें समझ आ जाए तो आप बड़ी ही आसानी से इक्वेशन को बैलेंस कर ले जाएंगे हमको बोलिए सर क्या बोले तुमको अच्छा इसको बोलिए करने के लिए ठीक है देता हूं करो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड देन प्रोड्यूस क्या बनेगा बेटा एन ए टू एसओ फोर प्लस पानी बन जाएगा चलिए बैलेंस करिए आप लोग इक्वेशन को बोलो बेटा आपके सामने हमने रख दिया है अब आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना होगा जल्दी बताइए करिए इक्वेशन बैलेंस हाँ जी बच्चों इक्वेशन बैलेंस करो जल्दी जल्दी लिख दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों के राजा एसिड ऑफ होप एसिड ऑफ विट्रोल कुछ भी कह लीजिए आप इसको ठीक है तीन चार नाम होते हैं जैसे भगवान विष्णु के कई अवतार होते हैं वैसे एस टू एसओ फोर के भी कई अवतार होते हैं बेटा आप उनका नाम लिख दे एसिड ऑफ होप अम्लों की आशा ये थोड़ा सही नहीं रहेगा एसिड ऑफ होप ही सही है और याद रखिएगा एसिड ऑफ विट्रॉल समझे बात को और अम्लों का राजा किंग ऑफ एसिड ये सब कह सकते हैं आप लोग बैलेंस करो जल्दी जल्दी इसको हाँ जी कोई सनक ही नहीं रहा बैलेंस करो बच्चों बैलेंस करो 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 करो, करो बैलेंस देखो बहुत आसान है यार इसको बैलेंस करना वैसे देखो हमको तो आ गया हम तो कर ले जाएंगे लेकिन देखो इधर सोडियम एक ऑक्सीजन कितना है भैया यहाँ एक मान लीजिए हाइड्रोजन कितना है तो दो और एक तीन मान लीजिए इसको भी हाइड्रोजन में जोड़ दीजिए एसओ फोर को एक ले लीजिए चलो अब यहां पर सोडियम दो है सल्फर आ, सल्फेट कितना है तो याद रखिएगा यहां पर एक है हाइड्रोजन यहां दो है और ऑक्सीजन यहां पर एक है तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इस सोडियम को बैलेंस करेंगे तो बेटा सोडियम अगर बैलेंस करो तो दो यहां लिख दो तो अब क्या हो गया? सोडियम ऑक्सीजन दो, दो, और बेटा हाइड्रोजन हो गया दो, दो चार तो चलिए लेकिन ये तो अपना जगह बनाए हुए एक अब देखिए यहां पर आपके सामने है दो ये हो गया एक बोलिए हाइड्रोजन यहां चार है तो हाइड्रोजन को चार करने के लिए यहां पर हम यहां पे कर दिए इसको यहां टू लिख दिए तो ये चार हो गया लेकिन ऑक्सीजन भी तो दो हो गया बेटा तो बताओ इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं बोलिए यस yes, देखो एक बालक पीए प्रिय शर्मा ने कहा हां सर बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस हो गया हाँ जी बच्चों बताओ इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ बिल्कुल अभिषेक अग्रहरी भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और ये जबरदस्त तरीके से आंसर कर रहे हैं हाँ जी बच्चों हो गया चलिए एक अगला देते हैं आप लोग चलिए एक अगला क्वेश्चन है आप लोगों का HNO3 HNO3 प्लस कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दीजिए क्या बनेगा तो बच्चों बनेगा आपका सी एन ओ थ्री टू प्लस क्या बनेगा और साथ साथ में पानी बन जाएगा चलिए बैलेंस करिए जल्दी जल्दी इक्वेशन को आप लोग तुरंत बैलेंस करिएगा देर मत लगाइएगा ठीक है चलो बैलेंस करो और वीडियो को लाइक जरूर करो बच्चों बिना लाइक किए हुए वीडियो देखना अपराध होता है इसकी सजा निर्धारित की जाती है अध्यापक के द्वारा इसीलिए आप लोग वीडियो को तत्काल प्रभाव से लाइक जरूर कर दीजिए शेयर जरूर कर दीजिए और जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए चलिए बच्चों बताइए आप लोग इक्वेशन बैलेंस कैसे होगा अचानक से तो नहीं होगा कैसे हैं सर हम मस्त हैं बालक तुम हमारी ऊर्जा देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कैसा हूं एसी चल रही है पसीना निकल रहा है इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना उत्साहित हूं पढ़ाने के लिए सर लाइक कर दे बहुत बड़ा एहसान होगा आप हमारे लिए लाइक कर दीजिएगा आपका जीवन में कल्याण हो बस इससे ज्यादा अब हम कुछ करेंगे नहीं बहुत बड़ा एहसान होगा बस आप लाइक कर दीजिए कर दिया ओके यस सर ओके बालक चलो देखो इसको बैलेंस करो पहले आप लोग जल्दी जल्दी बैलेंस करो आजी बच्चों देखता हूं कितने बच्चों ने किया आने लगा आंसर चलो मैं बता देता हूं आप लोगों देखो हाइड्रोजन कितना है हाइड्रोजन देखिएगा हाइड्रोजन दो यहां है एक यहां तो तीन हो गया ठीक है अब देखिए मेरी बात को एनओ थ्री को एक मान लीजिए आप यहां पर एक कैल्सियम कितना है बेटा तो याद रखिएगा एक ऑक्सीजन कितना है यहां पर दो हाइड्रोजन आप कर ही चुके हैं तीन है अब यहाँ कैल्सियम कितना है एक एनो थ्री कितना है बेटा दो हाइड्रोजन यहां भी दो है ऑक्सीजन यहां भी एक है याद रखिएगा अब क्या करें तो बेटा बहुत आसान काम है वहां पर आप लोगों को एनओ थ्री दो है तो यहां भी आप लोगों को दो करना होगा तो अब हाइड्रोजन हो गया आपका दो और दो कितना चार एनो थ्री कितना हो गया बेटा दो अब बोलो कैल्सियम कितना है एक ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे तो तो दो अब बच्चों एक बात बताओ अब यहां पे भी तो आपका कैल्शियम एक है एनो थ्री आपका दो है और यहां हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन यहां पे दो है तो बस कुछ नहीं करना है दो से कर दीजिएगा तो बेटा ये हो गया चार और ये हो गया दो बताइए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं हां जी कौन कौन किया शिवांगी ने कर दिया बैजू भाई ने कर दिया पीयूष वर्मा है उन्होंने कर दिया ऋषभ कुमार कह रहे हो गया अभिषेक अग्रहरी कह रहे हो गया हाँ बेटा बिल्कुल कर दीजिए आप लोग सभी लोग बच्चों जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हाय सर जी सर हाँ जी बेटा जी सर हेलो हाँ हाय मनोज कुमार चौरसिया अमित चौहान हाय सर हेलो बेटा क्या हाल है कैसे हैं आप हो गल बा चला ठीक बा हो गल बा तो ठीक बा देखा एहर वर, चलो तो त्योहार हो गल बा तो चला ठीक बा एहर ओहर देखा और फिर करा ठीक बा चला आवाज दूसर क्वेश्चन करल जाल करल जाल ठीक है थोड़ा मैं भोजपूर्व में तंग हूं लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है मजा आ गया सर मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए बेटा चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं आप लोगों को क्वेश्चन है बेटा याद रखिएगा बी ए सी एल टू प्लस एस टू एसओ फोर बहुत आसान है बेटा और अगर आप लोग इसको करना चाहते हो तो ये होगा बी ए फोर बी ए एस ओ फोर प्लस एच सी एल ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी जल्दी आप लोग चलिए जल्दी से इसको करिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्ला लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का जल्दी जल्दी करिए आप लाइक like करो सब जल्दी जल्दी है? एक बार मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था ऑनलाइन तो ऑनलाइन बच्चा क्या होता है मास्टर को गरिया देता है और मास्टर को गरिया के निकल लेता धीरे से ये बहुत बड़ी खराबी है मैं मजाक नहीं कर रहा हूं उल्टा सीधा अगर वो बोल दे मैं कभी भी माइक्रोसॉफ्ट के जो बहुत बड़े मतलब जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं कि भाई जिनका नाम क्या बिलगेट्स है शायद बिलगेट्स है माइक्रोसॉफ्ट के उनके पास उन्होंने कंप्यूटर बनाया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके कंप्यूटर को समझाने का प्रयास किया सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े मान मानंद माने जाते हैं हार्डवेयर के क्षेत्र में मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी विद्यार्थी इस प्रकार का कोई काम करे बस उसको कंप्यूटर के अंदर से निकाल करके धोया जाए ऐसा कुछ हो जाए ना तो समझ जाइए बिल्कुल आनंद आ जाएगा बिल्कुल बालक ऑफलाइन में तो हम धो दिया करते थे बालक लेकिन यहां दिक्कत हो जाती है तो इसलिए विद्यार्थियों से अनुरोध है कभी भी मजा लेने की कोशिश करो पढ़ाई में ठीक है हाँ चलो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा और बेटा एक बात याद करो आजकल बच्चों को यह रहता है कि भाई ठीक है मास्टर पढ़ा रहा है कोई बात नहीं पढ़ा लेन दो पढ़ा लेन दो ठीक है कुछ भी कह के निकल जाएंगे तो ये सब गलत बातें हैं ठीक है बेटा अपने संस्कार मत भूला करो कभी भी चलो आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ बी ए वन है सीएल टू टू है हाइड्रोजन दो है सल्फेट एक है बी ए यहां पर एक है एसओ फोर एक है एच यहाँ पर एक है, है, है और सी एल यहां पर एक है तो बच्चों कुछ नहीं करना है ये तो एक खत्म इक्वेशन था यहाँ दो कर दीजिए काम खत्म हो गया अब बोलो बेटा एक है दो है दो है एक है एक हो, हो गया इसके बाद सल्फेट भी एक है हाइड्रोजन दो है और सी दो है लो हो गया इक्वेशन बैलेंस बच्चों कोई दिक्कत है देखा इतनी लाम, राम कहानी सुना दिया कोई स्टूडेंट रिएक्ट नहीं किया उसको लगा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर में वो फैसिलिटी आ गई हो अचानक से सर इसीलिए जोश में दिला रहे हो कि कोई आदमी कुछ कहे और सर निकाल करके अभी धो दे यहीं पर <laughs> चलो बच्चों जी सर मेरा सही था बेटा बिल्कुल आप लोग सभी लोग बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी आनंद आया मजा आया मस्त लगी खस्त लगी क्या लगी आप सब कुछ बताइएगा और बच्चों विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करिए वहां जाकर के फ्री कंटेंट प्राप्त करिए और अगर आपको हमारे रोज दर्शन चाहिए तो उसके लिए आपको विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करना होगा तो बच्चों एक बात याद रखिएगा बस आपको चाहिए विद्याकुल ऐप जो जीवन संवार सकता है जीवन बना सकता है और जीवन में भविष्य को सुधार सकता है क्योंकि बच्चों कक्षा दस आपका आधार होता है बोर्ड की परीक्षा ही सब कुछ होती है अगर आप बोर्ड की परीक्षा में कुछ चमत्कारिक कार्य कर ले गए तो जिंदगी भर नाम होगा मोहल्ले में रिश्तेदारियों में और पूरे देश में आपका नाम होगा बस इतना ध्यान रखना चीजों को संभालने और सुधारने का प्रयास करना और विद्याकुल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना ठीक है सर मैं विद्या विद्याकुल डाउनलोड कर लिया हूं तो कोर्स भी ले लो बेटा कोर्स भी ले लो विद्याकुल डाउनलोड कर लिया क्योंकि तो वहां हमारे रोज दर्शन होंगे और आप जानते हैं वहां मंदिर रोज खुलता है यहां कभी कभी खुलता है तो इसीलिए याद रखिएगा आप जाइए विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आप हमसे रोज मुलाकात करिए रोज चर्चा करिए रोज बातें करिए जरूरत पड़े तो आप हमसे और दो दो बातें करिए ठीक है तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि शुभ संध्या जो जो कहना आप सब कह लीजिए अब उसके बाद आगे हम कल मिलेंगे कल नहीं सॉरी परसों मिलेंगे